कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए कैलकुलेट करना है, टेन ए और सेक ए, ये तीनों निकालते हैं साइन ए के टर्म्स में। तो सबसे पहले कॉस ए कैलकुलेट करना है। तो कॉस ए अगर मैं देखूं तो साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूंगा तो कॉस आ जाएगा साइन के टर्म्स में। हमें यही करना है ना, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखेंगे बाई यूजिंग आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, थीटा और थीटा। इसी तरह से अगर ए होगा तो भी वो सेम होगा। बाई यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। cos square a is equal to 1 minus sin square a, तो इसको हम ये बोल सकते हैं cos a is equal to under root 1 minus sin square a। पहले ये बताइए ये सबको समझ में आ गया? Yes। cos a is equal to under root 1 minus sin square yes, a। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये तो कॉस आ गया, ये कॉस आ गया साइन की टर्म्स में, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेन ए निकालना है, टेन ए निकालना है साइन ए की टर्म्स में। तो टेन ए निकालना है साइन ए की टर्म्स में, तो हम लिखेंगे, हमें मालूम है टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एक मिनट वेट करिए, कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए को तो साइन ए ही रहने दो क्योंकि इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना है, और जो कॉस ए है वो हमने कैलकुलेट कर लिया अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर के। बताइए सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो टेन ए भी आ गया साइन ए की टर्म्स में। फिर तीसरा उन्होंने पूछा सेक ए, बेहद आसान है, सेक ए निकालना है साइन ए की टर्म्स में, तो सेक ए क्या होता है वन अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन, और कॉस ए क्या था अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर के। बताइए बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में है प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a, sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1 is equal to 1, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसमें।
जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि sec a दे रखा है, 1 माइनस साइन ए दे रखा है, sec a प्लस टैन ए दे रखा है, तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप इसमें जो sec और tan है, जहां जहां पर भी sec tan वगैरह कुछ भी दे रखा है, तो उसको कोशिश करिए सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना, तो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली प्रूव हो ही जाएगा। सब कुछ आप साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे कि sec a है, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा sec a माइनस sec a साइन है, ठीक है, इतना हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये sec a है, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस tan a का क्या हो जाएगा साइन a अपॉन cos a, ठीक है। ये करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहा हूं मैं, ये वाला sec a है, इस sec a का हो जाएगा 1 अपॉन cos a माइनस इस sec a को लीजिए 1 अपॉन cos a इनटू sin a। अब एक और चीज नजर आ रही है यहाँ पर, जैसे ये 1 अपॉन cos a था, ये sec a था हमारा, और ये sin a अपॉन cos a क्या था, ये tan a था। इसको वापस वही लिख दो sec a plus tan a, जो ये था ओरिजिनली वही लिख दीजिए, कोई फायदा नहीं हुआ 1 अपॉन cos और sin अपॉन cos लिखने का। अभी बताता हूँ क्यों। ये हो गया sec a plus tan a, ओरिजिनली यही था ना sec a plus tan a, तो मैंने वही लिख दिया जो ये ओरिजिनली था। 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा sec a, और sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा tan a। अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको वापस वही क्यों लिख दिया था, बताइए सर ये वाला दोबारा समझा दो। देखिए हमने क्या करा कि ये था sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a, ये दे रखा था। अब क्या करेंगे, हमने जनरली ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं जब sec tan इन सब चीजों में वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने sec को कर दिया, sec पहले sec को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया sec a माइनस sec a साइन a, sec a माइनस sec a साइन a, और ये जो sec a था इसको मैंने कर दिया 1 अपॉन cos a, इस tan a को कर दिया साइन a अपॉन cos a। अब अगले स्टेप में हमने क्या करा, ये जो 1 अपॉन cos a था इसको वापस sec a लिख दिया और sin a अपॉन cos a को वापस tan a लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों करा वो भी बताता हूँ आपको। आप ये देखिएगा, ये जो sec a था इस sec a को मैंने लिखा 1 अपॉन cos a, इस sec a को लिखा 1 अपॉन cos a। 1 अपॉन cos a का मतलब क्या हो गया, ये तो sec a रहा, और 1 अपॉन cos a * sin a, sin a अपॉन cos a क्या बन गया tan। तो ये जो मैंने स्प्लिट करके लिखा था ना 1 अपॉन cos और sin अपॉन cos, ये वाला इस वाले ब्रैकेट को, तो इसको 1 अपॉन cos और sin अपॉन cos में करने का कोई फायदा नहीं हुआ। रीजन कि ये इधर sec a माइनस tan a है, और अगर ये sec a प्लस tan a है तो a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, समझ गए, a माइनस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस सर, मतलब sec a का स्क्वायर माइनस tan a का स्क्वायर। sec a का स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर है, और tan a का स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। यहां लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी वन प्लस tan स्क्वायर a is equal to sec square, मतलब 1 is equal to क्या हो गया sec square a minus tan square a, sec square a minus tan square a is equal to 1 हो गया। समझ में आ गया सभी बच्चों को, यस सर, ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिए क्या है, प्रूव दैट
व्हाट ए माइनस कॉस ए व्हाट ए माइनस कॉस ए अपॉन व्हाट ए प्लस कॉस ए cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cos a a minus 1 cos a a minus 1 upon cos a a plus 1 ठीक है ये चीज हमको प्रूव करनी है लेकर चलिए लेफ्ट हैंड साइड cot a minus cos a अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू ये जो कॉट ए है ये क्या हो गया कॉस ए अपॉन साइन है माइनस ये जो कॉस ए है इसको सिर्फ कॉस ए लेने देते हैं या छोड़ो ऐसे मत करो cot a माइनस cos a और cot a प्लस cos a क्या लगाओगे जो फॉर्मूला बताएंगे बताइए बताओ क्या मेथड करोगे इसमें आप एक काम करो cot a को मैंने लिख दिया cos a अपॉन sin a माइनस cos a ये तो ऊपर न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर में cot a हो गया cos a अपॉन sin a ठीक है और डिनोमिनेटर में यही cos a अपॉन sin a प्लस cos a क्या बोल रहे हो सर एलसीएम ले लेंगे एलसीएम मत लो कॉमन निकालेंगे बस कॉमन निकाल लो ज्यादा आसान है आप देख रहे हो न्यूमरेटर में जो है न्यूमरेटर में भी कॉस है दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर की भी दोनों टर्म्स में कॉस है कॉमन निकाल दीजिए हमने न्यूमरेटर में से कॉस ए निकाल लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा वन अपॉन साइन ए माइनस वन डिनोमिनेटर में से भी कॉस ए बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा वन अपॉन साइन ए प्लस वन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया वन अपॉन साइन ए तो हो गया कॉस ए माइनस वन ये तो न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर में वन अपॉन साइन में क्या होगा कॉस ए प्लस वन इज इक्वल टू आर एच एस बताइए जी प्रूव हुआ कि नहीं हुआ समझ गए हाँ जी समझ में आ गया यस सर सर अब एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं
एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 में है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. 1 upon sec theta minus tan theta. Using the identity sec square theta, using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Okay. Using the identity 1 sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. मतलब second वाली जो identity है ये use करके हमको ये चीज prove करनी है. ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मुझे sec square theta और tan square theta वाली identity use करके मुझे ये चीज prove करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे जो left hand side है लेफ्ट हैंड साइड में मुझे sec theta और tan theta वाली टर्म्स चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, sin theta cos theta और 1, sin theta cos theta और minus 1, ये चीज दिखाई दे रही है. तो इसको sec theta और tan theta में कन्वर्ट कैसे करें, देखो अगर sin theta को cos theta से डिवाइड कर देता हूँ तो sin upon cos बन जाएगा tan, अगर cos theta को cos theta से डिवाइड कर देते हैं तो वो 1 बन जाएगा, कोई बात नहीं. अगर 1 को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाएगा sec थीटा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे सबसे पहले sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. अब लिखिएगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस थीटा, आप दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन cos theta. ये हो गया. अब जरा देखिएगा इसमें अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है हमारा, ये समझ में आ गया बेटा सभी को कि मैंने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को मैंने cos theta से डिवाइड कर दिया, ये समझ में आ गया, तो मैं आगे बढूं? यस सर. ठीक है, अब जरा देखिएगा sin theta upon cos theta, इसको हम बोलेंगे tan theta minus cos theta upon cos theta को बोलेंगे 1, 1 अपॉन कॉस थीटा को बोलेंगे sec थीटा. डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में फिर वही sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस sec थीटा. ये आ गया हमारे पास. अब
तो हमें इसको वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसमें कन्वर्ट करना, मतलब आर एच एस में मुझे ये चीज प्रूव करनी है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना अभी तक जो कर रहा है? यस सर। नहीं, पार्थ अग्रवाल के अलावा बाकी सब बच्चे चुप बैठे हुए हैं। यस सर। यस सर। पार्थ मेहता, हर्षित, रुद्रांश। यस सर। अच्छा, वो सक्षम दो बच्चे आज आए नहीं, सक्षम और अर्पिता? अब देखिएगा अब क्या करें, अब जैसे हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा है। अच्छा, tan थीटा प्लस sec थीटा, नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा है, तो tan थीटा और sec थीटा को तो एक जगह लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन। ये करना है तो यहां पर हम एक काम करेंगे कि जैसे टेन थीटा प्लस साइन थीटा है तो न्यूमरेटर में tan theta माइनस sec theta से मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में भी tan theta माइनस sec theta से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में से एक जगह तो आइडेंटिटी बनी जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि कैसे होगा। हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर tan theta plus sec theta into tan theta minus sec theta करेंगे, तो ये tan square theta minus sec square theta बन जाएगा, और tan square theta minus sec square theta minus one के बराबर होगा। भाई देखिए, अगर tan square theta को इधर ले आता हूँ तो sec square theta minus tan square theta बन जाएगा, और sec square theta minus tan square theta क्या होता है? One। तो अगर उल्टा करते हैं tan square theta minus sec square theta तो वो minus one बन जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये स्टेप याद रखना, मैं लिख रहा हूं यहां पर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। सर, ये आपने रेशनलाइज किया? एक्चुअली रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं ये, रेशनलाइज अगर करते तो हम कोशिश करते कि नीचे वाला वन बने, है ना, पर मैंने क्या करा कि tan थीटा प्लस sec थीटा को tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई करा है न्यूमरेटर में, तो मैं ये चाहता हूं कि कैसे भी करके एक आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी में जानता हूं क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर मैं करूंगा तो वो मेरे पास वन आ जाएगा। ठीक है, sec square theta minus tan square theta करेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि दो, एक तरफ tan theta plus sec theta, एक तरफ tan theta minus sec theta, तो दोनों में से किसी एक को मैं बना सकता हूं 1। तो मैंने कहा कि चलो हमने tan theta minus sec theta से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये सॉल्व हो जाएगा। एक जगह आइडेंटिटी जरूर लगानी है हमको, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी दिस sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, तो मुझे sec square theta और tan square theta बनाने के लिए इसमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ा ऊपर नीचे, ताकि वो आइडेंटिटी को मैं कहीं तो अप्लाई कर सकूं। समझ में आ गया? यस सर। अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे tan theta plus sec theta into tan theta minus sec theta है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा tan square theta माइनस sec square theta, और पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन
इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, अब डिनोमिनेटर देखते हैं, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर वन इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इतना करने के बाद ये जो ऊपर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस टेन थीटा और प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर में तो ये बचा माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर, ये न्यूमरेटर कैसे आया आप एक बार फिर से बता दो, अभी बता रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ बस, माइनस वन दो है प्लस के वन टेन थीटा, न्यूमरेटर बताता हूं मैं एक मिनट इसको दोबारा लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर हटा रहा हूं मैं, पहले सिर्फ न्यूमरेटर की बात करते हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए कि अगर इस ब्रैकेट को टेन थीटा प्लस साइन थीटा को टेन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यस सर, फिर वन को टेन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यस सर, ठीक है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अभी एक्सपेंशन नहीं करते, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा, अब जरा देखिएगा ये जो सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है इधर लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है सभी को, वन प्लस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई माइनस वन, तो माइनस वन इंटू वन कितना हो जाएगा माइनस वन, और माइनस वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस वन इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, समझ गए, तो माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया सभी को, यस सर, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और माइनस वन इंटू माइनस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें से माइनस वन निकाल लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, प्लस का टेन थीटा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, और प्लस का वन हो जाएगा माइनस का वन, और अगला ब्रैकेट सेम है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, बोलो ठीक है,
अब देखो न्यूमरेटर में है प्लस साइन थीटा, इस ब्रैकेट में भी प्लस साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, न्यूमरेटर में तो प्लस वन होगा ना, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन है। हाँ, न्यूमरेटर में क्या था, माइनस वन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म था, और डिनोमिनेटर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर के पहले ब्रैकेट में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा का बन गया माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का हो गया प्लस साइन थीटा, और प्लस वन का हो गया माइनस वन, क्योंकि मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया। तो अब देखो पर आपने, हाँ बताओ सर, आपने न्यूमरेटर में वो माइनस वन इंटू माइनस वन वाली टर्म करी, तो वो तो प्लस वन होगा। नहीं समझे आप, दोबारा देखो। दोबारा देखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा है माइनस वन, ये तो समझ में आ गया था, माइनस वन। Yes, sir. और माइनस वन इंटू टेन थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस वन इंटू माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब डिनोमिनेटर में देखिएगा, डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन, तो डिनोमिनेटर में से चलिए ठीक है, आप ऐसे ही लिखो इसको, tan theta minus sec theta plus 1, ये हो गया। अब आप एक काम करिए, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में क्या है, प्लस का sec theta माइनस का tan theta और माइनस का 1, डिनोमिनेटर का जो पहला ब्रैकेट है इसमें से अगर मैं माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा, ये माइनस साइन थीटा, ये तो प्लस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस का टेन थीटा है ये माइनस टेन थीटा बन जाएगा, ये प्लस का वन है ये माइनस का वन बन जाएगा, और आगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा ये तो सेम रहेगा, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा, बताइए ये चीज समझ में आ गई। यस सर। अब साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस वन, साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस वन, ये पूरी तरह से कट जाएगा ये इससे, समझ गए। अब ऊपर तो मेरे पास बचा वन और यहाँ भी वन है, लेकिन ये माइनस वन है, माइनस वन इंटू वन प्लस माइनस वन हो गया, माइनस वन इंटू टेन थीटा करेंगे ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस वन इंटू माइनस साइन थीटा करेंगे तो प्लस का साइन थीटा। सर। हाँ जी सर, जो आपने माइनस वन बाहर ब्रैकेट में रखा है सर, वो वाला समझा दो। बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, ये वाला जो ब्रैकेट है ना डिनोमिनेटर वाला, इसमें से मैंने माइनस वन कॉमन निकाल दिया। यस सर। जब हम माइनस वन कॉमन निकालते हैं तो इसका मतलब होता है, कोई भी टर्म कॉमन निकालने का मतलब होता है कि हम हर टर्म को, अंदर की हर टर्म को हम उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं जिसको हमने कॉमन निकाला है, तो अंदर की हर टर्म को उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं जिस टर्म को हमने कॉमन निकाला है, तो मैंने कॉमन क्या निकाला, माइनस वन। माइनस वन कॉमन निकालने का मतलब अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस साइन थीटा हो गया प्लस का साइन थीटा, प्लस टेन थीटा हो गया माइनस का टेन थीटा, और प्लस वन हो गया माइनस का वन, ये कर रहे। यस सर। समझ गए। यस सर। तो नीचे आ गया साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस वन, और ऊपर भी साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस वन, कट जाएंगे, ऊपर वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यस सर। वो चीज आ गई जो चीज हमें चाहिए थी, यही चीज प्रूव कर दी, इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया प्रूफ, बताइए ठीक है। यस सर। चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज 8.4,
एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एट पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर वन. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए. साइन ए सेक ए. साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. इन टर्म्स of cot A. ये है express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. मुझे sin A निकालना है, sec A निकालना है और tan A निकालना है cot A की terms में. ये करना है. तो सबसे पहले sin A के लिए करते हैं और cot A की terms में निकालना है. तो एक चीज ध्यान रहे कि cot A होता है cos A अपॉन sin A. ये तो पता है, ये तो पता है सभी को. क्योंकि yes, sir. क्योंकि tan क्या होता है sin अपॉन cos और cot क्या होता है tan का reciprocal. तो इसका मतलब cot A क्या हो जाएगा cos A अपॉन sin A. ठीक है, अब जरा देखिएगा. अब है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. तो साइन सेक और टेन इन तीनों को हमें कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है. तो जरा देखिएगा, जैसे साइन ए सेक और टेन ए की अगर हम बात करें तो वो साइन ए को उठाते हैं सबसे पहले. सर सबसे पहले टेन ए को नहीं ले सकते? नहीं, टेन ए को भी ले सकते हैं पर एक मिनट सोचने दो जरा. साइन ए, साइन ए को मैं बोलूंगा सब कुछ कॉट की टर्म्स में निकालना है. चलो सबसे पहले टेन ए को ले लेते हैं. सही कह रहे हो. तो टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए. पहला काम तो ये हो गया, टेन को कॉट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया. फिर साइन ए की बात करेंगे. तो देखिएगा, वी नो दैट तो तीसरे वाला रिलेशन लिखा था हमने, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cos x स्क्वायर a. ये हो गया, ठीक है ना. तीसरा रिलेशन है ये, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cos x स्क्वायर a. इट इंप्लाइज दैट cos x स्क्वायर a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस 1. और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल. तो कॉसेक क्या हो जाएगा? वन अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए. ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. यहां तक समझ गए? यस सर. ठीक है, आगे चलते हैं. Excuse me, sir. हाँ जी बताइए. सर अगर हमें like in terms of cot A निकालना है तो जो हमारा आंसर होगा उसमें सिर्फ cot A होगा, कोई और टर्म नहीं हो सकता? कोई और टर्म नहीं हो सकती, सिर्फ cot वाली सारी टर्म्स होंगी. ओके सर. ठीक है, तो ये आ गया 1 upon sin square a is equal to cot square a plus 1. अब
रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए प्लस वन का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन। यहां से साइन ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, साइन ए की वैल्यू समझ में आ गई, अब दो तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन ए, वन का स्क्वायर रूट हो जाएगा वन, और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट करके लिख देंगे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, बताइए जी ठीक है। ये साइन ए हो गया, अब साइन ए निकल गया, टेन ए निकल गया, अब सेक ए और निकालना है, तो सेक ए कैसे निकलेगा, ठीक है हम कहेंगे we know that 1 plus tan square a is equal to sir हमें cot a लाना है ना, हाँ तो सर वहां तो cot square a plus 1 आ रहा है, वो कोई बात नहीं, cot a का ही तो square है ना, मतलब है तो cot वाली ही टर्म, यस सर, हाँ तो चलेगा कोई बात नहीं, और सर अंडर रूट भी, अंडर रूट भी चलेगा, ओके सर, मतलब cot के अलावा और कोई टर्म आए तो कांस्टेंट टर्म आए, ऐसे तो 1 भी आ रहा है, ठीक है ना, तो cot के अलावा कोई भी टर्म आनी चाहिए तो वो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, sin cos tan ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, यस सर, cot ही होना चाहिए सर, अच्छा जी, इसके बाद मैं कहूंगा 1 plus tan square is equal to sec square, मुझे तो sec निकालना है, तो sec कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, और टैन को क्या बोल दूंगा, वन अपॉन कॉट, अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर, ठीक, बताइए जी समझ आया कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं, यस सर, ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अच्छा क्वेश्चन नंबर टू है, ऑल अदर राइट, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज Write all other trigonometric ratios in terms of sec A. अब मुझे sin A, cos A, tan A, cot A, cosec A सब कुछ sec A की टर्म्स में निकालना है। तो हमने क्या करा है? हमने एक एग्जांपल करा और एक क्वेश्चन करा इस तरीके का। तो एक आपको एक तो ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चन नंबर टू करें, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर टू के अलावा मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, 5-10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम कराया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, और कुछ नहीं करना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सिर्फ एक क्वेश्चन, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में होगा, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करना है, ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे, हाँ कल आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे बेसिस एंड शॉर्ट्स को, ठीक है, तो दो दिन है आपके पास, दो दिन कायदे से आप कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू सर, चलिए ओके ओके, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी लक्ष्य बताइए सर, आप मॉर्निंग क्लासेस कब करोगे, सभी लोगों की छुट्टी हो जाएगी तब कर दूंगा, अभी सबकी छुट्टी हुई नहीं है, यस सर, सर मेरे स्कूल की पड़ गई, अच्छा रुद्राक्ष तुम्हारी भी छुट्टी है,
रुद्रांश, अरे सबने लीव कर दिया मीटिंग, चलिए बेटा कल करता हूँ इस बारे में सभी बच्चों से बात। यस सर, थैंक यू सर। हाँ ओके।